जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जो कि आज 6 सितंबर 2023 है। आज आपके सामने लेकर के आऊँगा डेली करंट अफेयर्स, साथ में जो भी मैक की डिटेलिंग बैकग्राउंड होगी वो प्रोवाइड कर देता हूँ। साथ ही साथ रिवर कवर करी जा रही है, एशिया की रिवर करने के बाद हम अफ्रीका की रिवर कवर कर रहे हैं। तो ये सारी डिटेलिंग PIB एडिटोरियल सारा कंपाइल करके आपको एक जगह पे प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या PIB डाटा है। वो सारी डिटेलिंग देखने के बाद एडिटोरियल को, न्यूज़ को, करेंट अफेयर को, सारी चीज़ें देखी जाएगी। तो PIB जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंपाइल करके आपके सामने लाया हूँ, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्लोरल ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं किसको, तो आपको पता ही होगा यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, जन्म उनकी दिवस मनाई जा रही है, जिसके कारण यहाँ पे क्यों क्या इश्यू निकल के आ गई। सबसे पहले बता दें यहाँ पे जो टीचर्स डे है वो इन्हीं के नाम पर सेलिब्रेट करी जाती है भारतवर्ष में। तो ये बहुत ही बिग पर्सनालिटी हैं, अगर बात करी जाए प्रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो, ये टीचर भी बहुत अच्छे रहे हैं अपने जीवन में, तो ये इसलिए इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग टीचर के रूप में भी मनाते हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है ये। दूसरी तरफ जो क्वेश्चन निकल के आ रही है, टॉपिक है PIB की, वो 18th G20 समिट भारत जो है ऑर्गेनाइज कराने के लिए यहाँ पे अपने पूरी की पूरी तैयारी में चल रहा है। साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, जो इंडिया में चीज़ें लॉन्च करने की बात जारी जारी है, वो भी 5 सितंबर 2023 को यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है। तो कॉन्फ्रेंस में इस पर भी यहाँ पे बातें चलेंगी, जो इम्प्लीमेंट करने के लिए दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे कंपनी को सामने लाने की बात करता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके साथ जुड़ी हुई है, कोलाबोरेशंस किसके साथ हुई है, तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस, तो याद रखिएगा UNWTO, और ये G20 टूरिज्म SDG डैशबोर्ड के साथ ये चीज़ें इंटीग्रेट हुई हैं। तो कोलाबोरेशंस किसके साथ हुआ है ये सीधे सीधे पूछ देगा, तो याद रखिएगा आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म UNWTO के साथ कोलाबोरेशन हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल की तरफ। जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है उसकी डिटेलिंग को हम देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी चीज़ें बैकग्राउंड डिटेल के साथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। तो अब समय आ गया है डिसाइड करने का, यानी क्या समय आ गया है डिसाइड करने का, तो उसी चीज़ पर पे पूरी की पूरी एडिटोरियल रिलाई कर रही है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्लड इन द नॉर्थ, आपको पता ही होगा किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में, किस तरीके से दिल्ली में, किस तरीके से उत्तराखंड में, यहाँ पे फ्लड, पंजाब भी इसे छूटा नहीं रहा इस बार। तो इस प्रकार की जो नॉर्थ वाला बेल्ट है ना इंडिया का, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे उसी को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम GY चंद्रचूड़ है, ये क्या एक एक्सपर्ट कमेटी को बनाने की बात कर रहे हैं कि कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करी जाए कि क्या कैरिंग कैपेसिटी है हिमालयन रीजन की। कैरिंग कैपेसिटी का जब भी यहाँ पे बात आ जाती है तो यही बात होती है कि जो हिल एरिया के स्टेट हैं, उन स्टेटों में जो वहाँ के जोन हैं, क्रिटिकल जोन हैं, जहाँ पर लोग रिसाइड कर रहे हैं, रह रहे हैं घर बना के, और वहाँ की क्या कैपेसिटी है, कितना वो कैपेसिटी बियर कर सकता है पॉपुलेशंस के पर्सपेक्टिव से, उसी की स्टडी यहाँ पे करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इतना सारा फ्लैश फ्लड आया जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है, कितने सारे लोग अभी भी वहाँ पे दबे होंगे ये हम लोग नहीं जानते। तो उसी चीज़ को लेकर के कमेटी यहाँ पे बैठाई गई है जो यहाँ पे इंक्वायरी करेगी। तो 13 मेंबर टेक्निकल कमेटी यहाँ पे चीज़ें होंगी जो यहाँ पे इंक्वायरी करेगी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, जो कैरिंग कैपेसिटी है अगर हम उसके अनुसार कार्य करेंगे, और दूसरा अगर इन्वायरमेंट को पर्सपेक्टिव मान के उसके अनुसार अगर हम वहाँ पे रीसेटलमेंट करते हैं उसके अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार, तो यहाँ पे क्या नहीं हो पाएगा, बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं हो पाएंगे जो कि हिल एरिया में बिल्कुल हिमालय जोन में बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए।
इन सब चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करेगा। तो पॉपुलेशंस की डेंसिटी चेक करेगा, इकोसिस्टम की चीज़ों को चेक करेगा कि किस प्रकार से वो बियर कर सकती हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर चेक करता हुआ नज़र आएगा। इन्वेसिव स्पेसीज की भी बात करी जा रही है, ऐसे स्पेसीज होते हैं, मान लीजिए अमेरिका है ये और ये अपना भारत इंडिया है, तो इंडिया अमेरिका से अगर कोई भी स्पेसीज प्लांट फ्लोरा फौना कोई भी चीज़ें आती हैं और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे वो ऑक्यूपाई करती हैं क्षेत्र जो आपका यहाँ पे पहले ही प्लांट पौधे अपने क्षेत्र को ऑक्यूपाई किए थे, तो उनके क्षेत्र को कवर करके उन प्लांट्स को हानि पहुँचाता है जिसके कारण इसको इन्वेसिव स्पेसीज बोला जाता है। तो ये चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे उस ग्रासलैंड की बातें करी जा रही है जो यहाँ पे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में भी कार्य करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हिल स्टेशंस, हिमालयन स्टेशंस, इन स्टेट में ये बैलेंसिंग का कार्य करेंगी किस प्रकार से, अगर तो क्या पॉपुलेशंस बढ़ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से, बिल्डिंगें बढ़ रही हैं वहाँ पे, ये सारी ज्योग्राफी को कंसर्न करके यहाँ पे चेक करेगी ये कमेटी जो अभी बनाई जा रही है। तो 13 मेंबर की कमेटी है अभी जो इम्पॉर्टेंट है बनाई गई है। देखते हैं किस प्रकार से ये जो फ्लड आया 2013 में, ये भी यहाँ पे अगर कैरिंग कैपेसिटी बात करी जा रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैरिंग कैपेसिटी को भी हम चेक किए होते तो यहाँ पे इस तरीके के डेवलपमेंट नहीं हो पाते। अभी रिसेंटली आपको एक एडिटोरियल में मैं एक बात पढ़ा रहा था, क्या कि उत्तराखंड में 4 लेन से लेकर के 6 लेन तक की चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो यहाँ पे जो कोर हिमालय एरिया है उस एरिया में जा करके हम रोड का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि अगर बात करी जाए तो 1 लेन 2 लेन से भी हम लोगों का काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे 5 लेन 6 लेन हम लोग अगर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम और ज़्यादा बिगड़ता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि आपको बता दें ये अभी यंग फोल्ड माउंटेन है हिमालय, तो यंग फोल्ड माउंटेन होने की वजह से अभी ये बच्चे वाले स्थिति में है और जब ये पुरुष बनेगा फिर ये वृद्ध होगा तो इसकी हाइट इससे 4-4 गुना हो सकती है। तो अभी तो इसकी हाइट 8849 के आसपास है, लेकिन अगर बात करी जाए तो ये निरंतर बढ़ रही है इसकी हाइट, तो फोल्ड माउंटेन की हाइट बढ़ रही है जिसके कारण यहाँ पे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे भूकंप आ रहे हैं जिसके कारण अर्थक्वेक से कई सारे घर भी सिंक आउट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो इस चीज़ की जो कमेटी है वो रिपोर्ट बनाएगी और यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं, माउंटेन साइड जो चीज़ें चल रही हैं ये कहीं ना कहीं टोपोग्राफी को यहाँ पे डैमेज करती हुई नज़र आ रही है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो प्रपोजल है सेंटर के द्वारा वो ये है कि 2020 तक यहाँ पे चीज़ें जो चलाई गई हैं 13 स्मॉल जो स्टेट हैं 13 हिमालयन स्टेट की, वो गाइडलाइन के अनुसार उनकी कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। और इको सेंसिटिव जोन ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे आप किसी प्रकार का कोई भी खनन कार्य, फैक्ट्री इंस्टॉलमेंट या फिर इंडस्ट्री सेटअप, कॉमर्शियल एक्टिविटी, इस प्रकार की चीज़ें आप नहीं कर सकते, तो वही इको सेंसिटिव जोन होता है। इस प्रकार की चीज़ों को आप कर नहीं सकते तो हिमालयन वाले स्टेट में यहाँ पे रिकंसीडर किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या कैरिंग कैपेसिटी है, कितना पॉपुलेशंस को बियर कर सकता है, उससे ज़्यादा पॉपुलेशंस वहाँ पे होंगी तो और भी ज़्यादा विकराल स्थिति कर देगा। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है यही सब चीज़ें स्टेट को रिमाइंड कराने का प्रयास कर रही है। जो क्राइसिस है बार बार चल जा रही है, जैसे कि जो भूमि है वो सब्सिडेंस हो जा रही है। अभी आपको जोशीमठ में कहानी तो पता ही होगा कि इस प्रकार से घरों के अंदर से दरारें निकल के आ रही हैं, लोग घर छोड़ के वहाँ पे कहीं और शिफ्ट होना पड़ा, उत्तराखंड की ये कहानी है। तो इस प्रकार की जो कोर एरिया है, अगर कोर एरिया को हम अपने सेफ नहीं रख पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आएगा। वही चीज़ें निकल के सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश में खास करके 13 स्टेट जो यहाँ पे लगते हैं वहाँ पे इस प्रकार की कमेटी रिकंसीडर करेगी, कैरिंग कैपेसिटी को चेक करेगी। तो सारी चीज़ें आपको बता दिया, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्या चल रहे हैं इशू, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे चल रही है, इन्वायरमेंटल किस प्रकार से हैजार्डस आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो जो 2013 में त्रासदी आई थी केदारनाथ की, वहाँ से लेकर के आज तक अगर बात करी जाए तो अभी तक चीज़ें रुकी नहीं हैं,
डेवलपमेंट के कार्य जोर तोर से चल रहे हैं, लेंस पे लेंस बनाए जा रहे हैं, रोड को यहाँ पे हिमालय को यहाँ पे बम्बार्डिंग करके रोड्स डबल लेन ट्रिपल लेन फोर लेन ऐसे बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो हिमालय की स्थिति है वो और डमाडोल होती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि अभी हाईलाइट में चल रहा है। तो गबन एक ऐसी कंट्री है जो आपको इसके बारे में आज के डेट में तो बिल्कुल पता होना चाहिए, साथ ही साथ इसकी जो सहभागिता कंट्री है उसके बारे में जानेंगे, बैकग्राउंड डिटेलिंग को भी हम यहाँ पर जानेंगे। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसी के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर देखेंगे। तो कॉप का क्या मतलब होता है? कॉप का मतलब पुलिस, आर्मी, इन सबको रिजेंबल कर सकते हैं। तो जो गबन की आर्मी है वो रेजीम क्या है? तो प्रेसिडेंट मोहम्मद बुजुम जो हैं यहाँ पर उनकी बात करी जा रही है। ये जो है प्रो वेस्टर्न रेजीम चलाते थे, यानी जो फ्रेंच हैं, फ्रेंच कंट्री से प्रभावित होकर के ये इनकी रेजीम चलती थी, इनकी सत्ता चलती थी, कंट्री को रेगुलेट करते थे। तो ये जो है गबन कंट्री एक ऐसी कंट्री थी जो फ्रेंच से पॉलिटिसाइज्ड होकर के कार्य करती थी। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो जो यहाँ की आर्मी है वो आर्मी अब कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ही खड़ी हो गई है और वो इस प्रकार का कृत्य करने के लिए मजबूर हो गई है। अगर बात करी जा रही है इनके फैमिली बैकग्राउंड की, तो इनकी फैमिली भी बहुत पुराने समय से फ्रेंच को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जो मिलिट्री कॉप है जिसको हम आर्मी बोल रहे हैं वो रीजनल पावर यहाँ पे लेती हुई नज़र आ रही है और कई सारे कैंप को, आर्मी कैंप यहाँ पे जो भी सरकार के ऑफिसेस हैं उसको यहाँ पे अपने चपेट में लेती हुई नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? तो जो अल्टीमेटम दिया गया है कि रिस्टोर करेंगे डेमोक्रेसी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में, तो ये कहीं ना कहीं अभी निकल के आ नहीं रही है। इस प्रकार की चीज़ें निकल के नहीं आ रही हैं, यानी जो आर्मी है वो अपनी चीज़ों को यहाँ पे कैप्चर करती हुई नज़र आ रही है। तो अगर बात करी जाए, नया रूलर नाइजीर में उनको डिसमिस किया गया वेस्टर्न अल्टीमेटम के बाद भी यहाँ पे, तो एक महीने के अंतर्गत अनादर दूसरी बातें बोली जा रही हैं कि अफ्रीका में ऐसी चीज़ें हो रही हैं वो आपका गबन है। तो अफ्रीका में बहुत ऐसी कंट्री हैं, आखिर क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं? तो सारी सारी चीज़ें आपको बता दें, यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जिसके कारण ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं। वो कैसे? तो देखिए, जो भी अफ्रीका की कंट्री हैं वो आर्मी प्रो बन रही हैं अब, यानी मिलिट्री रूल कर रहा है और यहाँ से जो भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट वगैरह थे इनको हटाया जा रहा है और इस प्रकार की बहुत सारी कंट्री हैं। तो अभी आपको बताऊंगा मैं जियोपॉलिटिक्स कैसे वर्ल्ड लेवल पे बदलता हुआ जा रहा है। माली भी इसी कैटेगरी में आ रहा है, बुर्किना फासो इसी कैटेगरी में आ चुका है, नाइजीरिया इसी कंट्री में आ चुका है, ये सारे के सारे इस्लामिस्ट मिलिटेंसी से प्रभावित हो रहे हैं। तो इस्लाम मिलिटेंसी जो वहाँ पे चल रहा है आईएसआईएस वाली, उससे भी प्रभावित होकर के चीज़ें कंडक्ट हो रही हैं। मिलिट्री प्रॉमिस कर रहा है कि हम आपको बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान करेंगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अच्छी देंगे, अपनी चीज़ों को यहाँ पे कंसोलिडेट करके डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। वहीं पे गबन की बात करी जा रही है। तो जो रिपब्लिकन गार्ड हैं यहाँ पे, तो ये रिपब्लिकन गार्ड क्या मतलब, इसका क्या मतलब? जो ये गबन की इलेक्टेड प्रेसिडेंट के यहाँ पे गार्ड हैं उसकी बात करी जा रही है। तो यूनिट ऑफ आर्म फोर्सेस जो यहाँ पे थी उसका अगर जॉब की बात करी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं क्या था, प्रोटेक्ट करना, प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करना। तो ये मूव्ड हो गई है सीज पावर आफ्टर द इनकम्बेंट। अगर बात करी जा रही है जो कभी प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए यहाँ पे खड़ी थी, अब उसी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में खड़ी हो गई है और सत्ता को अपने पावर में सीज कर रही है, यानी अपने अंतर्गत ले रही है, जिनका नाम अली बांगो है। तो याद रखिएगा, अली बांगो का नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही हैं गबन के प्रेसिडेंट जो निकल के आते हैं। तो इन्होंने डिक्लेयर किया है विनर, जबकि बात करी जा रही है तो डिस्प्यूटेड इलेक्शंस यहाँ पे माने जा रहे हैं। तो इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर घोषित किया। मिस्टर बांगो की बात करी जा रही है तो यहाँ पे क्या चीज़ें, तो 2009 में
ये फ्रेंच के एलाई और इनके फादर भी ओमार बंगो, तो अली बंगो ओमार बंगो ये दोनों लोग फ्रेंच के एलाई हैं बहुत लंबे समय से, 42 साल तक इनके पापा राज्य करके गए हैं। तो कंट्री की हालत कुछ ऐसी है कि आपको देखने के लिए काफ़ी आवश्यक हो जाती है। तो गबन कहाँ पे हैं? नाइजीर, माली, बुर्किनो फाशो, ये सब सूडान, ये सारी की सारी जो वेस्ट कंट्री हैं यहाँ पे निकल के आ रही हैं। और गबन आपका ये रहा, तो लोकेशंस आपको दिखा दिया हूँ। लोकेशन से देखिए क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन सकते हैं। गबन किससे किससे बाउंड्री टच करता है ऐसे भी पूछ सकता है, गबन की कैपिटल क्या है ऐसे भी पूछ सकता है। नाइजीर भी यही हाल चल से गुजर रहा है, दूसरी तरफ सूडान भी इसी तरीके से गुजर रहा है, माली तो गुजर रहा है, नाइजीर गुजर रहा है, ये सारी कंट्री जो हैं अब गबन भी इससे फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो जियो पॉलिटिक्स से प्रभावित हो रही हैं। किस जियो पॉलिटिक्स से? तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को छोड़ करके मिलिट्री वाले सिस्टम से प्रभावित हो रही हैं। और वो क्यों हो रही हैं तो आपको बता दें, एक कंट्री है जिसका नाम है चाइना। अब इसका रोल निकल के यहाँ से आता है, तो चाइना में सीधे सीधे मिलिट्री की ही रोल मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री के ही लोग इलेक्ट होके आते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। तो जी जिनपिंग क्या थे, मिलिट्री में ही एक पोस्ट ग्रैब किए थे, बाद में उन्होंने प्रेसिडेंट का रोल अदा किया। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सीधे सपोर्ट करता हुआ चाइना नज़र आता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो वहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी सत्ता गिरती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे बात करी जाए अगर क्या, तो जो वहाँ पे मिलिट्री आर्मी कभी सपोर्ट प्रोवाइड करती थी उसकी सत्ता यहाँ पे निकल के आ रही है। तो ये सारी कंट्री कहीं ना कहीं इसी के चपेट में आ रही हैं। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री की हम बात कर रहे हैं, तो गबन की लोकेशंस आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल पे। तो जो ओपेक मेंबर हैं इसका एक इम्पॉर्टेंट कंट्री भी है ये गबन, याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आ जाएंगे। अच्छा, ओपेक की मैं बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको दे दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो रिचेस्ट कंट्री है उसकी कैटेगरी में गबन आता है। ऐसा नहीं है कि कंट्री के पास बजट नहीं है, कंट्री की इकोनॉमी डमाडोल है। तो भैया देखिए, रिच कंट्री ये इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे ऑयल निकलती है और ऑयल की डिमांड तो पूरे वर्ल्ड में है, जिसके कारण इनके पास इकोनॉमी अच्छी चलती है। तो यहाँ पे इसी पर कैपिटा इनकम की बात करी जा रही है, तो अफ्रीका में यहाँ पे वन ऑफ द रिचेस्ट भी कंट्री के रूप में गबन देखी जाती है। थर्ड ऑफ इट्स 2.4 मिलियन पीपल यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे बात करी जा रही है पावर्टी के अंतर्गत जी रहे हैं। 40% की बात करी जा रही है, तो 15 से 24 साल के लोग जो हैं वो बेरोजगार की परिस्थिति में इस कंट्री में गुजर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर बात करी जाए तो जो उनके पापा थे उमर बांगो, वो ये इस वक्त पावर में थे और रेजीम जो है वो फ्रेंच के प्रोटेक्शंस में थी और रिटर्न हो गई थी बिजनेस फेवर को लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं सीधे उमर बांगो फ्रेंच को सपोर्ट करते थे, उनके बच्चे अली बोंगो ये भी फ्रेंच को सपोर्ट करते थे। अब जो है मिलिट्री रूल यहाँ पे निकल के आ गई है, तो ये बहुत सारी फैक्टर। एक फैक्टर तो निकल के आती है कि लोग फ्रेंच को यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं, दूसरा फैक्टर निकल के आ रहा है मिलिट्री जो रूल कर रही है वो चाइना का इन्फ्लुएंस दिखा रही है, तीसरा फैक्टर जो निकल के आ रहा है चाइना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है यहाँ पे अफ्रीकन नेशंस में। तो ये जियो पॉलिटिक्स कैसे बदल रहा है, क्योंकि जो रसिया प्लस यूक्रेन की वार छिड़ रही है जिसके कारण चाइना अट्रैक्ट हो रहा है, अब यहाँ पे रसिया पे सैंक्शंस लगाने के लिए यूएसए खड़ा है, यूरोप खड़ा है, तो यूरोपियन यूनियन रसिया पे सैंक्शंस लगा देना है, तो ये अपना अलग एक पोलर वर्ल्ड बनाते हुए नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो अली बोंगो के जो रेजीम है यहाँ पे वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर सीधे सीधे दबाव लगाया जा रहा है। और यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शंस की बातें बोली जा रही थी, इकोनॉमिक इक्विटी की बातें बोली जा रही थी, मिलिट्री यहाँ पे सक्सेसफुल तरीके से अपनी चीज़ों को प्रोवाइड करता हुआ नज़र आया, यानी पावर को लेता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रेडिशनल रेजीम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। क्या कि जो रिस्क टेकिंग जनरल है, यानी जो जनरल है आर्मी की, उन्हीं की बात कर रहे हैं जो वहाँ के आर्मी हेड हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सीधे सीधे अपने पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो ट्रांस बॉर्डर थ्रेट इलेक्शंस दी जा रही है कि किस प्रकार से आप यहाँ पे कंट्री को लेकर के चलेंगे, उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात बोली जा रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो आर्मी है वो कंटिनेंट को, जो उसकी जियो पॉलिटिक्स जो अभी आपको बताया, उस डायनेमिक्स में बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है, यानी चेंजेस नज़र
आ रहा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जैसे फ्रेंच कॉलोनीज के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से लोग अपने नज़रिया को, इंटेंशंस को बना करके देखते हैं। तो वही है कि एक प्रकार से जो रेजीम है, जो रूलिंग सिस्टम है, वो डेमोक्रेटिक नहीं बिलीव कर रहे हैं, वो अब सीधे सीधे इन प्रेसिडेंट को गिरा करके मिलिट्री रूल भी ला रहे हैं। हालांकि समर्थन की बात करी जाए तो मिलिट्री को भी बहुत सारा समर्थन है, और अभी भी कई सारे लोग प्रेसिडेंट को भी समर्थन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी समर्थन नहीं है, लेकिन अब समर्थन पहले की तरह एकजुट नहीं है, वो बढ़ चुका है। बुर्किनो फासो भी इस तरीके की चीज़ें करता है यहाँ पे, यानी ये सारी कंट्री कहीं ना कहीं रसिया जो है एक्सपेंड कर रहा है अपना रीच, और इन रीजन में पहुँचने का प्रयास कर रहा है। चाइना भी अपना पहुँचने का प्रयास कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं फ्रांस, चाइना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर भी इन कंट्री के हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड डिटेलिंग भी हो जाता है जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। ओपेक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। यह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपको एक साथ लेकर के खड़ा करता है, जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं उनको एक ऑर्डर में एक कलेक्टिव डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे ओपेक बनाया गया है कि किस प्रकार से ऑयल को रेगुलेट करा जाए। तो यही चीज़ें हैं जो ग्लोबल मार्केट है उसको इन्फ्लुएंस करता है, मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की बात करी जा रही है। स्थापना की जहां बात आती है तो 14 सितंबर 1960 को बगदाद में इसकी स्थापना करी गई थी। उस वक्त मात्र 5 ही कंट्री थी, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। 1965 से इसका हेडक्वार्टर वियना में है, जिसकी ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। ऑस्ट्रिया जबकि ओपेक का मेंबर है ही नहीं, याद रखिएगा, क्वेश्चंस बना देगा। तो यहाँ पे सितंबर 2018 तक 13 मेंबर कंट्री यहाँ पे आए थे, जो कि 44% ऑफ द ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शंस करते हैं। 81.5% ऑफ वर्ल्ड की प्रूवन ऑयल रिजर्व इन्हीं के पास है। तो ओपेक मेजर इन्फ्लुएंस करता है ऑयल प्राइस में। एक बार अगर ये गुट तय कर ले तो यहाँ पे चेंज हो जाती हैं जो भी रेट हैं, जो भी एक गैलन के रेट हैं। तो याद रखिएगा, एक गैलन में यहाँ पे 159, एक बैरल में 159 के आसपास यहाँ पे चीज़ें लीटर होती हैं। करेंट ओपेक मेंबर की बात करी जाए तो अल्जीरिया है, अंगोला है, इक्विटोरियल गुनिया है, गबन है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, लीबिया है, नाइजीरिया है, रिपब्लिक ऑफ कांगो है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, वेनेजुएला है। जबकि इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कतार, ये इसके पहले पुराने अगर बात करी जाए तो मेंबर बने थे। इसको ओपेक प्लस भी बनाने की बात 2016 में कर दी गई है, ताकि और भी अच्छे से ग्लोबल मार्केट को कवर किया जाए। तो ओपेक की सारी डिटेलिंग आपको दे दिया, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो, देखिए फ्रेंड्स, तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी चीज़ें आपको सही लगे आप रिकमेंड भी कर सकते हैं, तो आपका सुझाव भी यहाँ पे वेलकमिंग स्टेप है। फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर ब्रिक्स जो कंट्री है उसको एक्सपेंशंस करने की बात क्यों करी जा रही है, क्या यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, क्या प्रोमिनेंट इशू निकल के आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें निकल के आती है ब्रिक्स में, जो इम्पॉर्टेंट कंट्री हैं वो क्या है? तो ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, और साउथ अफ्रीका को 2010 में ऐड कर लिया गया है। अब इतनी सारी जो कंट्री हैं, इन कंट्री के बाद भी यहाँ पे ब्रिक्स प्लस बनाने की बात करी जा रही है, यानी इसमें और कंट्री को जोड़ी जा रही है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जोहान्सबर्ग का डिक्लेरेशन हो जाता है, जो कि 24 अगस्त 15वां ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ? साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग में हुआ है। इसमें तो यहाँ पे इनवाइट करी गई थी 6 नई मेंबर को कि आप आइए इसमें जुड़िए। तो यहाँ पे ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, वेस्ट एशिया से, और इजिप्ट की बात करी जा रही है, इथोपिया की तो अफ्रीका से, अर्जेंटीना की बात करी जा रही है लेटिन अमेरिका से। ये 6 कंट्री जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं हर एंगल में अगर बात करी जा रही है तो। उसके अलावा इतना ही नहीं, यहाँ पे 40 कंट्री भी लाइन में लगी हैं कि हमें भी मेंबर बनाइए। साथ ही साथ 22 ऐसी कंट्री हैं जो फॉर्मल एप्लीकेशंस भेज चुकी हैं इसमें जुड़ने के लिए। 2009 में ब्रिक्स की मीटिंग होती है, समिट
होती है यहाँ पे, और यहाँ पे मिनिस्टेरियल एक्सपर्ट कॉन्क्लेव होता है। यहाँ पे दो मेजर इंस्टीट्यूशंस का निर्माण होता है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। ये डेवलपमेंट बैंक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है किस प्रकार से यहाँ पे लोन दिया जाए और एक रीजनेबल रेट पे लोन दे करके आपके जो प्रोजेक्ट हैं उसको कंप्लीट कराने में मदद करता है। तो ये कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी इसी के अंतर्गत आता है कि शॉर्ट टर्म बैलेंस आप पेमेंट प्रेशर्स इसी तरीके से इसको डील किया जाए। NBD काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी डिटेलिंग आपको दे दूंगा। चलिए ब्रिक्स की डिटेलिंग को पहले देख लिया जाए। इसके अंदर ये कंट्री है, 2010 में साउथ अफ्रीका आती है। ब्रिक का निर्माण कौन किया था, 2001 में गोल्डमैन साक कंपनी के अंतर्गत जिम ओनील एक पर्सनालिटी थे जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, यही इसको 2001 में नाम देते हैं। तो गोल्डमैन साक एक कंपनी है। फॉर्मेशन बात करी जा रही है, 2006 में इसकी फॉर्मेशंस हो जाती है और UNG की 61वें 62वें सेशंस के अंतर्गत इसकी फॉर्मेशंस होती है। फर्स्ट समिट कहाँ होती है, तो यूकात्रिंग बॉग में जो कि रसिया में है वहाँ पे होती है। हेडक्वार्टर संघाई यहाँ पे है। और छठी जो ब्रिक समिट होती है फोर्टेल्जा डिक्लेरेशंस, यहाँ से UPSC क्वेश्चंस बनाया हुआ है। फोर्टेल्जा डिक्लेरेशंस किससे रिलेटेड है, तो आपका NDB से रिलेटेड है। इसी डिक्लेरेशंस के अंतर्गत आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण किया गया है। तो जुलाई 14 को इसका निर्माण किया जाता है, जुलाई 2015 में इसको इन्फोर्स कर दिया जाता है। बांग्लादेश, UAE, यूरुग्वे, इजिप्ट, ये सब ब्रिक कंट्री के साथ साथ इसी बैंक के मेंबर हैं। तो लेकिन ये इसके मेंबर नहीं हैं, ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। बांग्लादेश, इजिप्ट, यूरुग्वे, इजिप्ट, ये सब कौन हैं, ये सब NDB के मेंबर हैं ब्रिक कंट्री के साथ साथ, लेकिन ये जो हैं ब्रिक के मेंबर नहीं हैं। इसका पर्पस पॉलिटिकल है। 11 मई 2015 को KB कामत भारत के पहले यहाँ पे प्रेसिडेंट इस बैंक के बना दिए जाते हैं। इस्टीमेटेड पॉपुलेशंस और GDP की बात करी जा रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी अपना औहदा रखता है, वेटेज रखता है। 3.21 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन, 26.7% के आसपास वर्ल्ड लैंड सरफेस, 40.5 के आसपास ग्लोबल पॉपुलेशंस और GDP 28 ट्रिलियन प्लस की रखती है। तो बहुत बड़ी ये बॉडी बन चुकी है। क्यों, क्योंकि जो वेस्ट कंट्री है और जो ईस्ट कंट्री है उसकी अब बैलेंसिंग इसी ब्रिक्स के होना शुरू हो गई है। तो देखिए जो जो कंट्री यहाँ पे आपको मैं अभी बताया कि वो ऐड होना चाहती हैं, ये सारी की सारी कंट्री कहीं ना कहीं क्या करेंगी, ये चाइना को फेवर करती हुई नज़र आएंगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि इंडिया यहाँ पे कैसे रोल प्ले करेगा, इंडिया की क्या यहाँ पे इंटरवेंशन होगी, क्या हस्तक्षेप होगी, इंडिया की क्या आइडियोलॉजी, क्या विचारधारा है इस चीज़ को लेकर के। तो देखिए इंडिया कहीं ना कहीं इतना एक्सपेंशन तो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। हालांकि कई सारी ऐसी कंट्री हैं जिनसे इंडिया का व्यापार और रिलेशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी इंडिया इस तरीके से चीज़ें नहीं देखना चाहेगा। बहुत सारी चैलेंजेज यहाँ पे ब्रिक्स को लेकर के निकल के आ रही हैं, जो वेस्ट लेड वर्ल्ड पावर है, जो अभी आपको वेस्टर्न पावर और ईस्टर्न पावर समझा रहे थे। ईस्टर्न पावर में आपका कौन कौन, रसिया, इंडिया, चाइना, ये सब कंट्री आ जा रही हैं। वेस्ट में आपका यूरोपियन कंट्री आ जा रही हैं, US आ जाता है, कैनेडा आ जाता है। ये पावर को अब कहीं ना कहीं बैलेंस करता हुआ नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि जो रसिया के ऊपर USA ने सैंक्शंस करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही है। तो यहाँ पे रूबल और रूपी में ट्रेड भी होने की बातें चलने लगी हैं डॉलर के जगह पे, क्योंकि देखिए जो सैंक्शंस US यहाँ पे लगा रहा है वो सैंक्शंस केवल रसिया को नहीं इम्पैक्ट कर रही है, वो और भी कंट्री को इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि वार तो चल रहा है कंट्री में पूरे, तो ये यहाँ पे इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ रही है। इसी चीज़ को लेकर के जो जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशंस हुई है, यहाँ पे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप यहाँ पे मेंबर को बनाती हुई नज़र आ रही है कि इसमें और सारे लोगों को ऐड किया जाए। वेस्ट एशिया यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे टाई अप है कि ब्रिक्स कंट्री के मेंबर हम बनेंगे। सऊदी की ऑयल प्रोडक्शंस की अगर बात करी जाए तो 35% ऑफ द सऊदी ऑयल प्रोडक्शंस चाइना को जाता है और इंडिया को जाता है। वहीं पे रसिया ऑलरेडी मेजर ऑयल सप्लायर है, यहाँ पे बात करी जा रही है चाइना और इंडिया में। तो अभी रिसेंटली जो यहाँ पे सैंक्शंस USA के द्वारा लगा दिया गया, जिसके कारण ये अपना ऑयल यूरोपियन यूनियन को नहीं देके इंडिया और चाइना को यहाँ पे देना शुरू कर दिया है। तो अभी हम लोग सबसे ज़्यादा ऑयल लेना शुरू कर चुके हैं और ब्राज़ील भी बहुत बड़ा मार्केट निकल के आया हुआ है।
तो ईरान के ऊपर भी यूनाइटेड स्टेट सैंक्शंस लगाया था, ऑयल प्रोडक्शंस अपना कम करे यहाँ पे, तो 4 लाख के आसपास बैरल पर डे यहाँ पे प्रोडक्शंस लगाने की बात करी गई थी ट्रंप पीरियड में। अब यहाँ पे 2.5 मिलियन बैरल पर डे यहाँ पे अगस्त से लेकर के चल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाइना को जा रही हैं। इजिप्ट, इथियोपिया की अगर बात करें तो ये भी इनका इम्पोर्टेंट प्रेजेंस है स्ट्रेटजिकली, यानी जियो पॉलिटिक्स के रूप में देखा जाए तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रेड सी, ये सारी की सारी चीज़ें, सारी जोन काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं, क्योंकि ऑयल की जो मार्केटिंग होती है इन्हीं रेड सी से होकर के होती है, चाहे यूरोप हो जाए, चाहे एशिया हो जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो जाए, ये रेड सी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लेटिन अमेरिका से लेकर के आपका यूरोप, वेस्ट एशिया और आपका ऑस्ट्रेलिया, इन कंटिनेंट में भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी ऑयल इन्हीं जोन से निकल के जाता है। तो ये जो जोन आपको अभी बताया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वाला एरिया है जो आपको पता होना चाहिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात आ गई तो यहाँ पे कंट्री को देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बना हुआ है। यहाँ पे 4 कंट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती हैं जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो 5 कंट्री इसके अंतर्गत हैं। एक क्या है तो याद रखिएगा DEES, इससे आप भूलेगा नहीं, एक कोड है ये। तो ये क्या है तो यहाँ पे सोमालिया और इरिटेरिया, एथियोपिया और जिबूती, तो यहाँ पे 4 कंट्री हैं, इनका पुराना नाम यहाँ पे मेंशन है। तो ये जिबूती, इथियोपिया, इरिटेरिया, सोमालिया, ये 4 कंट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोली जाती है। तो ये वही पार्ट है जो आपका रेड सी को टच कर रहा है, ये आपका गल्फ ऑफ एडेन यहाँ पे निकल के आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे दिया, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर बात करी जा रही है जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशंस की, तो ये कहीं ना कहीं इनकरेज कर रहा है कि भैया इसमें लोकल करेंसी में हम इंटरनल ट्रेड करेंगे, जो आपको बताया मैं रूबल, रूपी, इन सब चीज़ों को ट्रेड करने की बात करी जा रही है डॉलर के जगह पे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अगर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो भारत की भी इकॉनमी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि रूबल और रूपी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे और डॉलर कहीं ना कहीं पुनः वीक होता हुआ भी नज़र आएगा। अभी तो डॉलर काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, इतना इजी है भी नहीं ये बातें। तो जो भी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सऊदी अरेबिया की बात करा जाएगा तो ये कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को कम करता हुआ नज़र आ रहा है। जो डायलॉग है यहाँ पे किसके, तो कतार में जो यहाँ पे इशू निकल के आ रही थी 2021 में, और तर्की के साथ इसकी इशू, इन सब को चीज़ों को ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है। तो चाइना, कई सारी कंट्री के साथ मीडिएटर का रोल प्ले किया गया है ईरान के साथ, ये कहीं ना कहीं इंगेजमेंट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तो चाइना को आपको पहले ही मैं बताया किस प्रकार से रोल अफ्रीका में प्ले कर रहा है, साथ ही साथ जो मुस्लिम वर्ल्ड थी, ईरान और सऊदी अरेबिया, इनमें भी नहीं पड़ती थी, तुर्की में भी नहीं पड़ती थी, यानी ये दोनों कंट्री कभी आपस में एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, आज एक ही टेबल पे बैठ करके अपनी चीज़ों को डील करते हैं। तो यूएई ऐसी कंट्री है यहाँ पे जो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज की तरफ ईरान से बढ़ रही है और फोकस कर रही है किस प्रकार से मैरीटाइम यानी समुद्र को लेकर के अपनी चीज़ों को और आगे बढ़ाया जाए। जो गल्फ है, गल्फ ऑफ एडेन है, रेड सी है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको दिखाई दिया, इन रीजन में किस प्रकार से डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटी नई नई चीज़ों को लेकर के लाया जाए ताकि जो आर्थिक दृष्टिकोण से सहभागिता हो और ज़्यादा बढ़े और लोग यहाँ पर तरक्की करें। तो इंडिया भी इससे जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। चाबहार पोर्ट की अगर बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, तो हम INSTC यहाँ पे कर रहे हैं। INSTC क्या है वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो यहाँ पे कंट्री इंडिया, रसिया, यहाँ पे कई सारी कंट्री मिलके कर रही हैं, उसकी भी डिटेलिंग आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग मुंबई से कनेक्ट कर रहे हैं ईरान को और ईरान से चीज़ें निकल के जा रही हैं। यहाँ पे देखिए रेल और रोड और सीवेज सब यहाँ पे चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो यूरोप तक कनेक्ट करने की बात करी जा रही है, बड़े बड़े सिटी जो बेलग्रेड हैं, बुडापेस्ट, इस्तांबुल, सोफिया, अस्ताना, यहाँ पे मास्को, तेहरान, बाकू, ये सारी कंट्री, बंदर आबास पोर्ट, ये ईरान में ही है। तो ये सारी की सारी जो पोर्ट हैं उसकी कनेक्टिविटी अच्छे से हो ताकि
जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो अच्छा से यहाँ पे गिर जाए, यानी चीप रेट में ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगी, तभी तो इकोनॉमी यहाँ पे डेवलप होगी। वही सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो INSTC की हम बैकग्राउंड डिटेलिंग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हो जाती है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर 7200 किलोमीटर के आसपास मल्टी मोड नेटवर्क सिस्टम सीप आता है, इसके अंतर्गत रेलवे आती है और रोड रूट भी आ जाती है। इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रसिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप, इसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, इन कंट्री को भी कवर करती है। तो यूरोप तक ये चीज़ें फैली हुई हैं। रूट की बात करी जा रही है, प्राइमरीली किस पे फोकस करता है, तो ये जो लोडिंग चीज़ें हैं, जो मालगाड़ी फ्लाइट है, इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रसिया, इन फेडरेशन, रसिया का जो फेडरेशन है उसको भी कवर करता है। अगर बात करी जा रही है दूसरी तरफ की, जो कॉरिडोर है, जो ये INSTC कॉरिडोर है, इसको अगर देखा जाए तो ये इंक्रीज करेगी क्या, ट्रेड की कनेक्टिविटी, जो कि आपको पता होना चाहिए कि मेजर मेजर सिटी को कनेक्ट कर रहा है, मुंबई से मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अभी आपको बताया अस्त्राखान, बंदर अंजलि, तो ये सारी की सारी मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे अगर कनेक्टिविटी बढ़ गई तो क्या करेगी, तो रिड्यूस करेगी क्या कॉस्ट। तो ये जो है प्रोजेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। मनी और ट्रेडिशनल रूट जो चल रही है उसको लेकर के टाइम भी कम होगी और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी ट्रांसपोर्टेशन की कम हो जाएगी। तो रसिया, ईरान, इंडिया, ये सब मिल करके ये NSTC ये प्रोजेक्ट 16 मई 2000 को साइन किए गए थे। दूसरी कंट्री की बात करी जाए तो अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन, सीरिया, इसके अंतर्गत ये भी कंट्री पार्ट इसके हैं। तो सारी डिटेलिंग आपको दे दिया, कब ये NSTC का निर्माण हुआ, 2002 में, क्योंकि न्यूज़ में आ गया है तो क्वेश्चंस बन सकता है। तो 2002 में NSTC का निर्माण होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन कौन कंट्री साइन करती हैं, तो यहाँ पे प्रोमिनेंट जो कंट्री हैं वो मिल करके यहाँ पे साइन करती हैं, जिसमें कौन कौन कंट्री आ जाती हैं, तो आपका रसिया, ईरान और इंडिया यहाँ पे इस एग्रीमेंट को साइन करता है। तो वही है चाबहार पोर्ट, जो आपको पता होना चाहिए। आशा करते हैं जो आपको डिटेलिंग दिया वो काफ़ी बैकग्राउंड डिटेलिंग के साथ समझ में आई होगी। न्यूज और फैक्ट्स बचते हैं, उसको कवर किया जाए, तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किए हैं, किसके साथ, तो आपका एडोब। एडोब एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि यहाँ पे ग्लोबल सॉफ्टवेयर बना के देती है। इस चीज़ को लेकर के चिल्ड्रेन जो हैं एक क्रिएटिव एक्सप्रेशंस क्लासरूम में कर सकेंगे, उसी को लेकर के एडोब एक्सप्रोस के साथ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पे कोलाबोरेट करती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे बच्चों की क्रिएटिविटी और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने की बात करी जा रही है 2027 तक। तो याद रखिएगा, एडोब एक्सप्रेस बेस्ड करिकुलम यहाँ पे लाने की बात करी जा रही है। तो क्वेश्चन पूछेगा कैसे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किस कंपनी के साथ अपने करिकुलम को और क्रिएटिविटी करने के लिए, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए साइन अप किया है, तो वो आपका एडोब एक्सप्रेस ही है। म्यांमार जो है, अगर बात करी जा रही है, तो ये एशियन 2026 में जो लीडिंग करने वाला था वो अब नहीं करेगा। क्यों, यहाँ पे भी मिलिट्री रूल अभी चल रही है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम तो यहाँ पे भी नहीं है, जिसके कारण इनसे सत्ता एशियन की यहाँ पे छीनती हुए नज़र आ रही है। तो कौन लेगा, फिलीपींस यहाँ पे एग्री हो गया है कि हम इस चेयरमैनशिप को 2026 में लेते हैं, एशिया समिट हम होस्ट कराएंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, अभी इंडोनेशिया के द्वारा ये चीज़ें चल रही हैं, प्राइम मिनिस्टर आपके अभी इंडोनेशिया में विजिट किए हुए हैं। तो फिलीपींस के प्रेसिडेंट फर्डिनांड मार्को जूनियर यहाँ पे ये बातें अपने स्टेटमेंट में करते हुए नज़र आ रहे हैं। एशियन नेशंस की बात करी जा रही है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बना हुआ है, तो हम लोग डिटेलिंग देखेंगे। बात करी जा रही है एशियान की, तो यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका पूरा है, यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 8 अगस्त 1967 को इसको बनाया जाता है, जिसके अंदर मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस इसके अंतर्गत आते हैं, और एशियान नाम दे दिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बना दिए जाएंगे। तो जो कम्युनिज्म है वो बहुत तीव्र गति से वियतनाम में फैल रही थी, इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ से हो रही थी। किस जोन में, ये एशियान वाले जोन की, तब जाकर के इसका निर्माण किया गया है। देखिए कम्युनिज्म की जब हम बात करते हैं तो चाइना को आप कंसर्न में रख के देख सकते हैं। 5 कंट्री यहाँ पे जब एशियान को क्रिएट करा गया तो 5 कंट्री यहाँ पे कोऑपरेट करी। इसका पर्पज़ क्या है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशंस एशियान यहाँ पे दिखाएगा।
ब्रुनेई की अगर हम बात करें तो दारुसुलम यहाँ पे ज्वाइन करता है 7 जनवरी 1984 को, वियतनाम ज्वाइन करता है 28 जुलाई 1995 को, लाओस म्यांमार ज्वाइन करता है यहाँ पे 23 जुलाई 1997 को, कंबोडिया यहाँ पे 30 अप्रैल 1999 को। तो जो नई कंट्री है अभी लेटेस्ट कंबोडिया ही है, और म्यांमार काफ़ी हाईलाइट में है, तो ये पूछ सकता है कब ये ज्वाइन किया, तो 1997 23 जुलाई को म्यांमार यहाँ पे ज्वाइन करता है। फॉर्मेशन 1967 में हुई और इसके अंतर्गत 10 कंट्री हैं। थोड़ा बैकग्राउंड देखा जाए और अच्छे से, तो यहाँ पे ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये कंट्री निकल के आ जाती हैं। मोटो यहाँ पे दिया गया है, एशियन डे कब सेलिब्रेट किया गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना। चलिए अफ्रीका की एक रिवर जो मैं कवर करता हूँ उसको देख लिया जाए, तो मौलिया रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, 520 किलोमीटर की दूरी तय करता है ये मोरक्को से निकल के, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोरक्को में कवर करता है, और जो इसका सोर्स है वो अयासी माउंटेन है, यहाँ से ही निकलता है ये, तो ये मिडिल एटलस जो माउंटेन है वहाँ से निकल के आता है, ये मेडिटेरियन सी में जाकर के मिल जाता है सईदिया के पास, जो कि नॉर्थ ईस्ट मोरक्को का पार्ट है। अगस्त 2011 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशंस मचा था, तो मौलिया रिवर में बहुत सारी मछलियों का डेथ भी हो गया था, बहुत सारे क्रॉप लाइफ स्टॉक यहाँ पे डेथ कर गए हैं। तो इसकी जो माउथ है यानी किस में जा करके मिल जाती है, तो मेडिटेरेनियन सी में नदी जा करके मिल जाती है। ये देखिए किस प्रकार से ये नदी यहाँ से निकल रही है और जा करके मेडिटेरेनियन सी में जा करके मिल जाती है। तो सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं, आशा करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।